आप देख रहे हैं जय भीम टीवी, कमजोरों का सहारा, मकसद हमारा। देहरादून में पहली बार इनकम टैक्स विभाग अपने ट्रिब्यूनल की एक नई सर्किट बेंच बनाने जा रहा है, जिसका उद्घाटन 27 फरवरी को होगा। एक खास सेमिनार देहरादून के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के देहरादून ब्रांच में आयोजित किया गया, जिसमें ITAT दिल्ली जोन के वाइस प्रेसिडेंट GS पन्नू, उत्तराखंड के मुख्य आयकर आयुक्त विपिन बी सिंह ने अपना महत्वपूर्ण संबोधन दिया। वाइस प्रेसिडेंट GS पन्नू ने जय भीम टीवी के सलाहकार संपादक सलीम सैफी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ट्रिब्यूनल से जुड़ी कई अहम बातें बताई और कहा कि मौजूदा समय में देश में ट्रिब्यूनल 28 शहरों में काम कर रहा है। जहां जहां हाई कोर्ट की बेंच है, इसके अलावा दो सर्किट बेंच हैं, पहला वाराणसी में और अब दूसरा देहरादून में शुरू होगा। ITAT के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर GS पन्नू आज देहरादून में मौजूद हैं और किस मौके पर देहरादून आना हुआ है, खुद बात करते हैं पन्नू साहब से। पन्नू साहब, देहरादून की जो लोग हैं वो आपकी सर्किट ब्रांच चाहते थे, उसका ऐलान कर दिया गया है। क्या है सर्किट ब्रांच ITAT की, किस तरीके से काम करेगी? इनकम टैक्स अपलेट ट्राइब्यूनल एक संस्था है जो 1941 से इनकम टैक्स के मैटर्स का निपटारा कर रही है और ये अभी 28 करीबन सिटीज़ में है कंट्री में, और इसके बेंचेस हर जगह मौजूद हैं जहाँ जहाँ हाई कोर्ट की भी सीट है। इसके अलावा दो हमारे सर्किट बेंचेस हैं, उनमें से एक पहला वाराणसी में था और दूसरा जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं वो है देहरादून में। और सर्किट बेंच का प्रावधान ये है कि जो मैटर्स अभी उत्तराखंड के जो टैक्स पेयर्स के डिस्प्यूट्स थे वो सारे दिल्ली बेंचेस हैंडल करते थे दिल्ली में बैठ के, अब जो यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के जो निवासी हैं जिनके यहाँ के टैक्स डिस्प्यूट्स हैं, उनके लिए बेंच यहीं बैठा करेगा देहरादून में। हमारे ITAT से दिल्ली बेंचेस में से दो मेंबर आएंगे और यहीं बैठ के उन केसेस का निपटारा करेंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी यहाँ के लोकल डिपार्टमेंट के उन अपने केसेस को प्रेजेंट कर सकेंगे देहरादून बेंच के सामने। तो इससे एक तरीके से जो आज के सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रावधान है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डोर स्टेप करिए, सर्विस है डोर स्टेप, तो ये एक ऐसा मीडियम है जिससे जस्टिस है डोर स्टेप का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर्किट बेंच की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है। सर, अभी तक जो सर्किट बेंच की स्थापना से पहले यहाँ की आवाम को किस किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और क्या सोचकर किस वजह से ये चीज़ अस्तित्व में आ रही है? उत्तराखंड के अभी तक के जो केसेस थे इनकम टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे वो अभी मैंने पहले बताया आपको कि दिल्ली बेंचेस के सामने उनकी ज्यूरिडिक्शन में आते थे। तो जब भी केस लगता था दिल्ली में तो यहाँ से वकील हो या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जो उनको प्रैक्टिस करते हैं, अपने केसेस प्रेजेंट करते हैं, या करदाता खुद भी अगर बहस करना चाहते हैं तो उन सबको दिल्ली आना पड़ता था अपने केसेस के निपटारे के लिए। अब वो नहीं होगा, अब उनको सिर्फ देहरादून तक आना पड़ेगा। यहाँ हमारा नया ऑफिस स्टार्ट होने जा रहा है 27 तारीख से। माननीय यूनियन लॉ मिनिस्टर जो श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं वो इसका उद्घाटन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वो भी मौजूद रहेंगे इस समय पे। आज का सेमिनार का जो मेन उद्देश्य था कि इनकम टैक्स अपलेट ट्रिब्यूनल देहरादून में पहली बार एक सर्किट बेंच का उद्घाटन हो रहा है 27 तारीख को, और उसके उपलक्ष्य में ये सेमिनार था टैक्स प्रैक्टिशनर्स को और यहाँ की पब्लिक को बताने के लिए कि सर्किट बेंच देहरादून में आ गई है। जो जितनी भी टैक्स लिटिगेशन है उसके लिए अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा और वो देहरादून में ही उसकी सुनवाई हो पाएगी। और क्योंकि जब दिल्ली था टैक्स ट्रिब्यूनल तो टैक्स लिटिगेशन कॉस्ट बढ़ जाती थी, यहाँ से जाने की कॉस्ट या वहाँ वकील करने की कॉस्ट, तो उसमें भी बहुत कमी आएगी और स्पीडी जो होता है प्रोसेस उसका वो हो पाएगा और जल्दी से जल्दी जो करदाता है उनको उनकी समस्याओं का समाधान होगा। वाइस प्रेसिडेंट GS पन्नू के मुताबिक नए ट्रिब्यूनल से फायदा ये होगा कि जो मामला दिल्ली बेंच में जाता था उन सभी मामलों का निपटारा स्थानीय स्तर पर बने ब्रांच में यहीं देहरादून में हो सकेगा। इससे वकील, CA और टैक्स मामलों से जुड़े लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। इस बेंच का उद्घाटन खुद देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। सेमिनार को देहरादून ब्रांच के चेयरमैन CA रजत शर्मा ने आयोजित किया था।
जिसमें देहरादून के कई सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट और नए मेंबर्स भी शामिल हुए। जय भीम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।